हेलो दोस्तों, मैं सीता ठाकुर आज आपको सिंगल कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग बताऊंगी। हमारा लंबाई है 34 का, लंबाई है चेस्ट है 34 का, लंबाई है 14 का, कमर है 15.5, आस्तीन लंबाई है 6.5 और गोलाई है आस्तीन का 5.5। सबसे पहले हम ये चोली कट में पेपर पैटर्न बनाते हैं। पेपर में ग्राफ करेंगे, दो फोल्डर पेपर कर लेंगे, एक आगे का पल्ला होगा, एक पीछे का पल्ला होगा। देखिए इस तरह से रबर से बिछा लें। उसके बाद हमारा लंबाई है 14 इंच का, तो लंबाई में हम 1.5 प्लस करेंगे, 14 है तो 15.5। गला हम 2.5 इंच करेंगे, वैसे तो 12वां हिस्सा होता है चेस्ट का, पर ज़्यादातर 2.5 इंच सामान्य लोगों के लिए सही बैठता है। मोटा हो तो आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं और पतली हो तो कम कर सकते हैं। कंधा हमारा 10 का है तो हम 5.5 लेंगे, 1/2 इंच ज़्यादा, 10 का कंधा है, 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे। ये मुद्दा है, मुड्ढा को हम 5.5 में और 1/2 इंच जोड़ेंगे तो 6 इंच हो जाएगा हमारा। और एकदम सीना उनका कम है तो आप 5.5 ही लीजिए, जितना कंधा है उतना मुड्ढा भी ले लेंगे, नहीं तो फिर 6.5 लेंगे, ये ज़्यादा अच्छा बैठता है। 6.5 मिला लेंगे। उसके बाद चेस्ट हमारा 34 है, 34 का हम 4वां हिस्सा करेंगे। चौथा भाग हमारा कितना होगा, 17 8.5 के करीब, तो हम इसमें 1.5 प्लस करेंगे, 1.5 प्लस करने से हमारा हो जाएगा 10। इसमें हमारा सिलाई होगा। अब ये कपड़ा मार्जिन के लिए छोड़ते हैं, इसको मिला देंगे। गला हमारा सामने का 5.5 6 इसको भी कर सकते हैं अपने ये इच्छा अनुसार। और ये 1 इंच यहाँ से लेके आप गोलाई दे दीजिए। गले की तरफ से कंधा में 1/2 इंच तिरछा कटिंग होगा और यहाँ से मुड्ढा में आप 6 है तो आप 20 से इधर थोड़ा से और इधर अंदर के साइड थोड़ा 2 पॉइंट और बाहर के साइड 2 पॉइंट। अब इसमें भी आप 1 इंच का निशान देके इस निशान से इसको आप ऐसे मिला लीजिए। ये पीछे के पल्ला में गोलाई होगा और एक एक गोलाई जो अंदर के साइड से जाएगा तो इस लाइन को आप टच करते हुए हल्का से इसको राउंड कर लीजिए। ये अंदर का गहराई कटेगा पल्ला में, अंदर पल्ला में और पीछे के पल्ला में, ये बाहर से कटिंग होगा। अब हमारा कमर है 15.5 का, तो 15.5 का चौथा भाग क्या होगा, 7 लीटर 7.5। इसको 8 और 1/2 इंच और सिलाई के लिए, या 1 इंच भी रख सकते हैं आप, ज़्यादा कपड़ा रखेंगे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं।
यहाँ से 3.5 इंच पट्टी के लिए ये तिरछी पट्टी लगती है, ये इधर का भाग 2.5 इंच में रहेगा। अब हम ये दोनों को मिला लेंगे। इधर से हम 5 इंच के करीब में निशान लगाएंगे और यहाँ से गले के यहाँ से तिरछा मिला देंगे, गुलाई दे देंगे। ये हमारा चोली बनेगा। यहाँ से लगभग हमारा 2.5 इंच होना चाहिए, ये अंदर के घराई वाले ये से 2.5 इंच करीब होना चाहिए, थोड़ा आगे पीछे हो तो चल जाएगा। बस अब इसको कटिंग कर देंगे। बन दिया है, उसको हम काट के अलग कर देते हैं, थोड़ा निशान से बाहर ही काटें, एक्स्ट्रा भले हो जाए कपड़ा पर छोटा ना पड़े। इसको पल्ला अलग अलग कर लेते हैं पहले। देखिए पीछे का है, ये पीछे का पल्ला निकाल के बाहर, गहराई है, इसको भी छान देते हैं। देखिए एक चोली है और ये अभी चोली हमको अलग निकालना पड़ेगा अलग से पेपर में, क्योंकि छोटा हो जाएगा सीधा कपड़ा में काटेंगे तो। चोली के लिए सही से कर लीजिए, पेपर को आप सिंगल कर सकते हैं पेपर को। इधर से 1 इंच ले लीजिए, ये तिरछा रखेंगे और इसको इधर से आप 1.5 इंच 2 इंच कर सकते हैं, इसको मिला दीजिए। अब यहाँ से राउंड यहाँ से बीच से ले लीजिए। देखिए अब इधर से हमको गले के साइड से थोड़ा 1.5 इंच के करीब तिरछा लेना है, 1.5 इंच 2 इंच से। इस तरह से हम गोलाई देके निशान पूरा ये लगा लेंगे। उसके बाद ये चोली को ये ध्यान रखिएगा, इधर के साइड से 1 इंच और इधर के साइड से 1.5 इंच, और बाकी इधर चाहो तो बढ़ा सकते हैं, आपके शरीर के अनुसार है। कभी कभी चेस्ट कम रहता है मगर किसी का सीना भारी रहता है तो चोली को आगे पीछे करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा करना पड़ता है। निकाल लीजिए, ये देखिए 34 का चोली तैयार है हमारा। ये सामने का हो गया, सामने का पल्ला का। अब इसको हम कपड़ा में रखेंगे और इसमें भी ध्यान रखिए, ये 1.5 इंच माइनस करना पड़ता है पीछे पल्ला में, एक साथ कटिंग की है तो इसको हम थोड़ा, नहीं तो लंबाई हमारा पीछे पल्ला ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए छांट के बाहर कर देते हैं। ये रहा,
कपड़े को इस तरह दो तह करके डबल फोल्डर में इस तरह से बिछा लीजिए। उसके बाद जो पेपर कटिंग किए हैं हम उसको इस तरह से बिछा के निशान बनाते जाइए। ये पीछे का पल्ला है, सबसे पहले पीछे के पार्ट्स पहले निकालेंगे। देखिए जिस तरफ बंद भाग हो उसको गले की तरफ करना है और खुला भाग को बाहर करना है। तो इस तरह से हम बंद भाग के तरफ गला का किए हैं ग्राफ और खुला भाग के तरफ ये अपना मुड्ढा जो है उसको किए हैं। अब एडजस्ट ऐसे करना है पेपर को ताकि हमारा कपड़ा भी बचे और सब चीज़ आसानी से निकल भी जाए और कपड़ा भी। देखो इस तरह से आप कपड़े ये पेपर को जमा लीजिए, जैसे पीछे का था ये पीछे का आ गया यहाँ और ये पार्ट्स जो है सामने का है। ये देखिए इस तरह से वो कर लीजिए आस्तीन में। अब पहले इसको काट के निकाल देते हैं उसके बाद आस्तीन बताते हैं। रुक, अब इस तरह से आप निशान डाल लीजिए उसके बाद कटिंग कर लीजिए सबको अलग। इस तरह से निशान बना लेना है और पीछे का गला हमको कितना रखना है ये आप अपने हिसाब से रखिएगा, चाहे वो हो या चौकोर हो। ये पीछे का गला हमारा 5 इंच का है तो हम 6 इंच में निशान लगा लिए हैं ताकि दोनों तरफ अभी दबेगा। और ये 2.5 इंच में इधर हम कर लेते हैं, फिर ऐसे यहाँ से लाइन खींच के इसको गोलाइया कर देंगे। तो ऐसे इसी से टच करते हुए गोल। अब देख रहे हैं ये पूरा सब में निशान लग गया। अब इसको हम जिस जैसे निशान बना है वैसे काट के इसको अलग कर देते हैं, फिर आस्तीन काटेंगे हम। ये हमारा चोली हो गया, ये है पट्टी तीरा जिसको बोलते हैं, नीचे कमर में लगता है। और ये है चोली के साइड का, चोली के साइड में लगेगा इस तरह से, इस तरह से ऐसे लगेगा। अब ये पीछे का हमारा पीछे का पल्ला है, देखिए। अब हमको आस्तीन निकालना है इसमें से। देखिए आस्तीन के लिए